आप सभी का स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झांसी के तहसील गरौठा के ग्राम दूर खुरू में निजी भूमि पट्टे के नाम पर बेची जा रही नदी की बालू, ग्रामवासियों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है अवैध खनन। झांसी में नगर निकाय चुनाव में नामांकन में पत्नी को पार्षद बनाने के लिए पति ने नाम वापस लिया नामांकन से। झांसी में नवाज को लेकर पुलिस है अलर्ट, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, आज नवाज के बाद देखा जाएगा चांद। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री व झांसी प्रभारी बेबी रानी मौर्य ने कहा, केंद्र व उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं चलाकर जनता की कर रही है मदद। जालौन में देर रात शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग ने किया रूप विकराल धारण, लोगों ने दमकल विभाग को दी सूचना। बांदा में नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस को मिली सफलता, 6 तमंचा व 20 कारतूस बरामद कर अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। छतरपुर नगर पालिका में 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया सब इंजीनियर, निर्माण की अनुमति देने के एवज में मांगे थे रुपए। छतरपुर में अपना गला काटकर महिला ने जीवन समाप्त करने की कोशिश, गंभीर हालत में पहुंचाए गए अस्पताल। फरुखाबाद में शराब के लिए पत्नी की पति ने कर दी हत्या, मौके पर पहुंचे सीओ सिटी लोगों से की पूछताछ। आज चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।